ऋषि ने अपने दिल की बात लक्ष्मी को समझकर मलिष्का को बोल दी, जहाँ मलिष्का बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि ऋषि आज भी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि कमरे में ऋषि और लक्ष्मी दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई देने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि ऋषि मलिष्का के साथ डांस कर रहा था तो उसे होश आता है कि जो कुछ भी वो कह रहा था अभी वो सब कुछ वो लक्ष्मी को नहीं मलिष्का को बोल दिया। और मलिष्का बहुत खुश हो जाती है कि ऋषि आज भी मुझसे पहले की तरह प्यार करता और उसने मुझे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कही। ऋषि कहता मलिष्का मेरा सर घूम रहा है, मैं आता हूँ कमरे से। ऋषि कमरे में जाता है और अचानक से बेहोश होकर वह बेड में सो जाता है। इधर लक्ष्मी के भी साड़ी में जूस गिर जाता है तो वो जाती है कमरे में जूस को धोने के लिए। तभी उसे लगता है कि उधर कुछ गिरा तो देखने के लिए जाती तो देखती ऋषि गिरा हुआ। ऋषि के पास जाती ऋषि को उठाने लगती है तो ऋषि की आंख एक बार खुलती है और वो लक्ष्मी लक्ष्मी बोलने लगता है। लक्ष्मी कहती है कि ऋषि उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस टाइम में क्यों सो रहे। तो ऋषि यहाँ लक्ष्मी को अपनी तरफ खींच लेता है और लक्ष्मी से बोलने लगता है कि लक्ष्मी तुम यहीं पर रहो, आई लव यू लक्ष्मी, और अपने दिल की सारी बात कहने लगता है। तभी वहाँ पर लक्ष्मी को लगता है कोई आ रहा, वो छुप जाती है। करिश्मा बुआ आती है और दरवाजा बंद करके चली।